है, आपको दो चीज दिया हुआ है क्या कि टोटल इलेक्ट्रॉन के नंबर कितनी है 2 माइक्रोन। मान लो मैं नंबर को एन बोल रही हूँ, एन दिया है आपको 2 मिलियन, ठीक है। देखो 2 मिलियन को आप 20 है ना, तो 20 मिलियन का क्या लिख सकते हो, 20 × 10^6, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 2 × 10^7 नंबर हो गया, ठीक है। टाइम कितना दिया आपके पास 2 माइक्रोसेकंड, तो टाइम अगर मैं बोलूं 2 माइक्रोसेकंड तो 2 × 10^4 कितना हो जाएगा, −6 सेकंड। आपको पता होगा मिली मतलब −3 और माइक्रो मतलब −6। आपको क्या पूछ रहा है कि आई निकालना है, देखो तो आई का फॉर्मूला होता है क्या Q/T, मुझे टोटल चार्ज पता होना चाहिए। देखो अगर मैं लिखूं टोटल चार्ज तो क्या हो जाएगा N × E, एन कितना है 20 × 10^6 या 2 × 10^7, टू इंटू 10^7 और ई कितना होता है 1.6 × 10^-19। इसको मल्टीप्लाई करो 3.2 और यहाँ से कितना हो जाएगा 10^-12 16। आपको आई निकालना था, तब I=Q/T, आपको पता है 3.2 × 10^-12 और टी कितना आपके पास 2 × 10^-1 ये कटाओगे इसको तो, और ये −12 और −10^-8 तो कितना हुआ 1.6 × 10^-6। देखो ऑप्शन नंबर बी है, तो आपने क्या कर लिया मैग्नेट्यूड तो फाइंड कर लिया, अब क्या फाइंड करना, डायरेक्शन फाइंड करना है। डायरेक्शन सबको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्स से वाई की ओर मूव कर रहा है तो ये तो पता सबको कि करंट जो क्या करेगा जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक्स से वाई चल रहा है करंट कहाँ चलेगा, वाई से एक्स की ओर। मैंने बताया था निगेटिव चार्ज के अपोजिट और पॉजिट्रॉन के डायरेक्शन के साथ चलता है, यहाँ पर अपोजिट चलेगा मतलब वाई टू एक्स चलेगा From y to x। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करेंट डेंसिटी j एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी v, मतलब आपको t में रिलेशन दिखना है, ठीक है। देखो ये तो सबको पता है कि j = होता है i1 a। तो देखो अगर देखा जाए तो करेंट i और vd में रिलेशन क्या है, सबको पता है i = ne a n to vd। तो आप आई की जगह पर पुट कीजिए NaA n to vd by a, आप इस a को a से कैंसिल कर दीजिए, क्या बच जाएगा Na n to vd, ये कितना हो गया Na n to vd नंबर Na n to avd क्या है Na n to vd हो गया, तो ऑप्शन कौन सा है बी नंबर, ठीक है। इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वीडी एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वी, मतलब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है वीडी और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, द विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ओबेज द ओम, बताने के मतलब कौन सा ओम फ्लो ओबे करता है, ठीक है। सिर्फ मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा अगर आपको, तो आपको पता क्या क्या है, पता है मतलब ई और वीडी का आपको रिलेट करना है, ठीक है। सोचो कि आपके पास कोई एक ऐसा फॉर्मूला है जहां पर आप ई और वीडी को रिलेट कर सकते हो, −E/m × τ। वीडी और ई में रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आपको दिख क्या रहा है, वीडी और ई में क्या है। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करेंट इन अ कंडक्टर, ठीक है। आपको बताना है क्या कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो देखिए आपको ये तो बात पता है कि I = NeA × vd होता है, ठीक है। n vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आपके पास केवल क्या दिख रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अकेले जो है क्या करेगा चार्ज को फ्लो करने में मदद करेगा, अकेले ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहेगा यहाँ पर, ठीक है।
टीचर सबको पता होना चाहिए कि आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाई, ठीक है, आर का फॉर्मूला तो रो एल बाई है। चलो हमको इसका डायमेंशन लिखना है, मतलब क्या अगर मैं लिखूं डायमेंशन ऑफ आर, इसका मतलब ये लिखना होगा डायमेंशन ऑफ रो डायमेंशन ऑफ एल बाई डायमेंशन ऑफ रो का डायमेंशन सबको पता है क्या? अब तो सिंपल सिंपल जोड़ घटाव करके निकाल लेना होगा, एम को कहीं है नहीं, एम सिंगल तो एम टू एम लिख दो, एल थ्री यहाँ से एल वन यहाँ से एल फोर, और फोर में से टू का कितना बचेगा एल प्लस टू, और तो कुछ है नहीं बाकी, तो कैसे उतार दो। अब तुमको दिख रहा होगा एम एल टू थ्री माइनस थ्री ए टू किसका दिख रहा है, एम एल टू थ्री माइनस थ्री माइनस ए माइनस टू की प्लस टू ए प्लस ए प्लस ए माइनस टू बचेगा ए माइनस टू, ऑप्शन सही कौन सा है, स्ट्रॉन्ग वायर स्टील, एक वायर की लंबाई 3 मीटर है, उसमें सिस्टम स्टील ओम दिया हुआ है, अगर उसका लेंथ 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके बोल रहे क्या, अगर लेंथ को 25% बढ़ा दिया जाए तो बताइए इस केस में उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबसे बना के बना के बताओ। 10 मीटर लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, ठीक है, अब आपने लेंथ को 25% बढ़ा दिया, देखो माना ऐसा जा रहा है कि उसका जो पहले लेंथ था, ठीक है, वो ऐसा मानो कि लेंथ पहले एल था, इतना मान लिया, लेंथ आपने क्या किया 25% इंक्रीज कर दिया, तो मान लो इस लेंथ को मान रहा हूँ एल वन, एल वन कितना हो जाएगा 25% बढ़ गया, किसका बढ़ गया पहले वाले का, एल प्लस 25% ऑफ एल, मतलब एल प्लस 25/100 मल्टीप्लाई बाय एल, ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 4 टाइम्स में 4 इंटू एल, 4L प्लस एल 5L/4, तो नया लेंथ कितना हो गया 5L/4 हो गया, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, बोल रहा है कि आप वायर को स्ट्रेच किए, तो वायर को स्ट्रेच करोगे तो इक्वल वॉल्यूम, वायर को स्ट्रेच करने पर वॉल्यूम जो होगा कांस्टेंट होगा, मतलब जो पहले उसका वॉल्यूम था बाद वाले के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, ठीक है, लेंथ इनटू एरिया मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा, तो स्ट्रेचिंग वाले का लेंथ एल वन और उसका स्ट्रेच करने पर एरिया ए वन, तो उसका वॉल्यूम हो गया एल वन ए वन। आपको यहाँ से एरिया अगर देखो तो एरिया मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा एल इन टू ए बाई एल, एल इन टू ए बाई एल वन, पहले लेंथ तो एल था, ठीक है। अच्छा पहले एरिया के बारे में कुछ बोला गया है क्या, मान लो पहले एरिया ए था, अब कितना हो गया लेंथ, तो लेंथ हो गया 5L/4, इसको क्या लिखोगे ए एल इन टू 4/5L, एल से एल कट जाएगा तो 4A/5 हो जाएगा एरिया, मतलब पहले वाले एरिया का 4/5 टाइम्स, ठीक है, पहले वाले एरिया का 4/5 टाइम्स हो गया। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, आर निकालने, तो क्या सबको पता है कि आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, रो एल बाई ए, और क्या इसको रो एल बाई ए को देखा जाए, आपको इसी का वैल्यू दिया हुआ है कि जब लेंथ आप 10 मीटर कर दो तो उस केस में उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब आपके पास आर का वैल्यू पता है कितना 10 पता है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं आर इक्वल टू एल बाई ए और इसका वैल्यू 10 पता है आपको, तो नया वाला कितना हो जाएगा, तो आपको आर वन या फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या आर वन हो जाएगा रो एल वन बाई ए वन, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ठीक, तो रो एल वन कितना आपके पास है, तो एल वन है आपके पास 5L/4 और एरिया कितना है 4A/5, तो सॉल्व करोगे तो 5 रो L/4 इसको मल्टीप्लाई बाई 5/4 कितना हो जाएगा, ये 25 रो L/16A। अच्छा एक चीज देखो, आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है 10, यहाँ 16 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब 250/16,
आप इसको सॉल्व करोगे तो 16 को तो 16 से घटा के देखा जाए तो कितना से घटा होगा 16 से एक बार में 16 9 25 नंबर 15.6 तो 15.6 कौन सा है ऑप्शन नंबर 15.6 क्या क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड ऑन सिर्फ सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है क्या रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस की ठीक है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस को और देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्रॉस सेक्शन है दूसरा टेम्परेचर है तीसरा लेंथ है और चौथा नॉन ऑफ दी तो अगर आप रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल किस पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस ठीक है मैंने सारा एमसीक्यू करा दिया।